हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? ये जो व्लॉग है ये है 30 नवंबर का, और यहाँ पे अभी आफ्टरनून का टाइम है, तो सब लोगों ने तो अपना लंच कर लिया है। मैं और भाभी रह गए हैं, तो बस मैं थोड़े से कल के राइस बचे हुए हैं तो उन्हीं को मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि राइस मुझे और भाभी को दोनों को ही बहुत पसंद है। तो आज का व्लॉग मैं आफ्टरनून से स्टार्ट कर रही हूँ। दोस्तों, व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लीजिएगा। तो बस यहाँ पे हरी मिर्च प्याज के साथ में मैंने इसको फ्राई किया है। हरी मिर्च बहुत तीखी है तो मैंने कोई मसाले ऐड नहीं किए, बस थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है और सॉल्ट ऐड किया है, और हींग जीरे में तड़का लगाया है। ऊपर से हरा धनिया डालूंगी तो टेस्टी सा ये जो राइस है वो फ्राई हो जाएगा। और फिर हम लोग करेंगे अपना लंच, और लंच करने के बाद मुझे बहुत ज़ोरों से नींद आ रही थी तो मैं सो जाऊंगी। तो अभी मैं आपसे 1 से 1.5 घंटे के बाद मिल रही हूँ। मैंने सो लिया है और भाभी ऊपर से कपड़े लेके आई थी जिनको मैंने फ़ोल्ड करके यहाँ पर रख दिया है। अभी इनको मुझे जमाना है ठीक से, जहाँ पे जो कपड़े रखने हैं वो मैं रखूँगी। उससे पहले मैं चोटी कर लेती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद तुरंत ही काम में लग गई थी तो चोटी नहीं की थी, और फिर खाना खाने के बाद मुझे नींद आई तो लेटे लेटे मैं कब सो गई मुझे खुद को पता नहीं चला। तो बस अभी उठ करके मैंने चोटी की है, जैसे थोड़ा सा अच्छा लगता है। और आजकल ना मौसम बहुत चेंज हो रहा है तो वैशलीन मुझे 2 से 3 बार लगानी होती है, उसके बाद थोड़ा सा रेडी हो जाऊँगी। और फिर यहाँ पर जो कपड़े हैं वो मैं अच्छे सेट कर देती हूँ, तो प्रेस वाले कपड़े बाहर रहने दूंगी, बाकी के सारे कपड़े मैं सेट कर दूंगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई रियली होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की डेट है, आज है 30 नवंबर, लास्ट डेट है, और कल से मेरा बर्थडे मंथ स्टार्ट। और आज है फ्राइडे। मैं सो गई थी, सो के उठने के बाद चोटी बनाई मैंने, लंच करने के बाद मुझे नींद आ गई थी, अभी उठी फिर चोटी ठीक की मैंने, चोटी बनाई, सुबह से चोटी नहीं बनाई थी। और फिर अभी थोड़ा सा छत पे आई हूँ मैं, और हमारे यहाँ पे मौसम ना क्लाउडी है, बारिश तो नहीं हुई है लेकिन बहुत ठंड है। आसपास में हो गई है सुबह मॉर्निंग, मतलब सुबह पापा का फ़ोन आया था तो वो बोल रहे थे कि गाँव में बारिश हुई है, ठंडी बहुत हो रही है। हम लोग नीचे ही थे, मैं सोचा थोड़ा सा जाते हैं ऊपर, अच्छा लगता है अभी, मतलब इतनी भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे जब बहुत ठंड होती है ना तब मैं जाके स्वेटर पहनती हूँ अपने। तो गाइस, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मेरी फ्रेंड है, मेरी बातचीत होती रहती है, मैं मिली तो नहीं हूँ अभी उससे, मिली हूँ एक बार ही मिली थी मैं मॉल में। सिंपल लाइफ बाय रेनू ब्लॉगर, वो भी ब्लॉगर हैं, अभी वीडियोस नहीं बनाती शायद वो, लेकिन कल मैंने उनका एक वीडियो देखा था और वीडियो के थ्रू ही मैं उनको जानती हूँ। उनकी भांजी है, उनको भी जानती हूँ, मुस्कान, जो कि ना उसके साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत। उसका वीडियो देखते ही ना मेरी दिल की धड़कनें तेज़ हो गई, पता है, बता नहीं सकते आपको, इतना बुरा लग रहा है मेरे को। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उसका नाम मुस्कान था, उसकी अभी न्यू शादी हुई थी, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मई में शादी हुई है शायद। और ससुराल वालों ने, रेनू तो यही बता रही है कि ससुराल वालों ने मतलब उसकी मर्डर कर दिया है, उसकी डेथ हो गई है। सुन के इतना ज़्यादा बुरा लगा, बहुत ज़्यादा। अभी वो बात करने की इसमें नहीं है तो मेरी उससे बात नहीं हो पाई, मैंने उसको फ़ोन तो मिलाया था, मेरी बात नहीं हो पाई। जैसे वो थोड़ा सा ठीक होगी वो खुद मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेगी। बहुत बुरा लग रहा है, कैसे यार, मतलब किसी मासूम की जान ले लेते हैं, किस लिए, पैसे के लिए, किस लिए, पता नहीं, समझ में नहीं आता अभी, मुझे कुछ भी नहीं पता है। कुछ लोग होते हैं ना कि दहेज के लिए भी कर देते हैं। कितनी ऐसी मासूम लड़कियां हैं जो बिना वजह इस दुनिया को छोड़ के चली जाती हैं, पता नहीं।
बहुत गलत हुआ उसके साथ। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी बस उसके घर वालों को ये दुख सहने की शक्ति दें और उसकी आत्मा को शांति दें, वो जहाँ भी रहे खुश रहे। और बाकी का मैं रेनू से जब बात करूँगी तभी मुझे पता चलेगा कि क्या हुआ है। वो बता रही कि ससुराल वालों ने उसका मर्डर कर दिया है। बहुत ही घटिया किस्म के लोग होंगे, कुछ तो हुआ होगा। अभी मेरी बात नहीं हुई, ऐसे मैं वीडियो को सुन कर के आपको बता रही हूँ, कुछ तो हुआ होगा बट बहुत बहुत गलत हुआ उसके साथ में। तो दोस्तों हमने अपनी टेरेस पे ये देखिए ऑर्गेनिक बिल्कुल हरा धनिया जो कि बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है और देखने में इतना सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। ये अजवाइन और इसी में थोड़ा सा पुदीना भी लगा हुआ है। तो छोटी मोटी सी चीज़ें हम घर पे लगाते रहते हैं और भाभी ने इसमें धनिया लगा दी। ये जो डिस्टेम्बर वगैरह आता है ना पेंट करने वाला जो कलर आता है ना उसी के डब्बे हैं, जिसमें मिट्टी भर के और बस धनिया को डाल दिया था जिससे कि धनिया आ चुका है। इसमें कुछ लहसुन के पत्ते भी हैं, कुछ धनिया है, ये लहसुन है ये आप देख सकते हैं। तो छोटे छोटे से मतलब जो भी है उसमें सब मैं पौधे लगा दिए। A few moments later. बस पति देव को मैं नहीं जानती। आपको पता है जाम फल के पेड़ लगे हैं जल्दी कितने भाभी कितनी जल्दी बड़े होंगे ये? भाई इतना नहीं पता, साल एक साल करीबन दो साल वो जाम फल खाने आ जाया करेंगे। गाइस मैं आई यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए और यहाँ पे बहुत अच्छे पौधे लगा रखे हैं बाबा ने। ये इनका खेत है जो एक बाबा यहाँ पे आते हैं। ये क्या नहीं पता, अरहर की दाल, अरहर की दाल, ये अरहर की दाल है। हाँ ये लगे हुए शाम हो गई और शाम को छूते नहीं है पौधों को। कितनी अच्छी लोकेशन है ना, ये हमारे घर के पीछे ही है बैक साइड में, यहाँ पे हम वीडियो बना सकते हैं। अंजलि डांस भी कर सकती है, डांस भी कर सकती है, बहुत अच्छी रील्स आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। अब आगे से एक ही बनाई है अभी तो फिलहाल मैंने, अभी बनाऊंगी मैं एक और वो वाला वो। अरे यार एक गाना याद नहीं आ रहा मेरे को, अब नहीं जा रही ना आगे। अब किधर जाना है? हाँ तो इसमें बेर थोड़ी ना आ रही, यहाँ पे बेर भी लगे अभी मैं आपको दिखा दूंगी वहाँ पे लगे हैं बेर। चलो 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 भागो 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 भागो, भागो। क्योंकि भाभी ही है। इसमें क्या है पानी? ये तो खाली है, ये तो खाली है। ये गाय गाय भाभी हम दो कैसे निकल के आए हैं? जुगाड़ जुगाड़ बेर इधर जाना पड़ेगा, वो है ना पीछे उसमें है बेर झाड़ी में, बट मेरे को तो बहुत डर लगता है, मैं तो नहीं जाती, मुझे तो डर लग गया है। हा, इतनी ठंडी हवा चल रही है कि बता नहीं सकते हैं। पीछे गई थी मैं। अरे चलो बाय। ये कहाँ जा रहा है? ये भी जाएगा छोटू? कितना जानता है कि ये वीडियो बना उसको टोपर लगा लेते हर सर। One hour later. ये मार्केट जा रहे थे तो दोनों बच्चे रोते हैं मार्केट जाने के लिए। हमने तो फिर भी नहीं रोती, लेकिन हर्ष ऑल टाइम रेडी रहता है मार्केट जाने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि मार्केट जाऊंगा साथ में तो कुछ ना कुछ लेकर के ही आऊंगा। तो बस यहाँ पे ये मार्केट से आ गए हैं, तो मैंने यहाँ पे चाय बनने के लिए रख दी है सबके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी तो दो टाइम तो चाय लगती ही है। तो बस यहाँ पे मेरी चाय बन गई है, अदरक भी ख़त्म हो रहा था तो थोड़ी बहुत सब्जियाँ मंगाई और फिर मैंने चाय बनाई। तो यहाँ पे चाय दे दूँगी सबको, सब लोग आराम से चाय पियेंगे, उसके बाद में फिर डिनर की तैयारी करनी है।
भर कहाँ चला जाता है, कैसे ख़त्म हो जाता है कुछ भी नहीं पता चल रहा है, क्योंकि अभी दिन छोटे हैं ना इसलिए, और सर्दियों में वैसे भी बहुत सारे काम होते हैं तो पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ पे मैं और भाभी दोनों ही हैं, तो कुछ काम वो करती हैं कुछ काम मैं करती हूँ, तो ऐसे जल्दी से हमारे काम हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं अभी डिनर की तैयारी करने लग गई हूँ। थोड़े वो चाय के बर्तन थे जिनको भाभी ने साफ़ करके रख दिया, और हमने अभी बीच में ना एक्स्ट्रा पानी स्टोर करके रखा था क्योंकि लाइट बहुत प्रॉब्लम कर रही थी ना, तो बस अभी इतनी प्रॉब्लम नहीं है तो भाभी वही बर्तनों को खाली करके रख रही, क्योंकि स्पेस भी उतना ही है ना इसलिए। तो बस यहाँ पे वो बर्तनों को खाली करके वॉश करके रख देंगे, और यहाँ मैंने डिनर की तैयारी चालू कर दी है। यहाँ पे रेडी हो गई है, ऊपर से थोड़ा सा मैं गरम मसाला स्प्रिंकल कर दूंगी, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया कलर आप देख सकते हैं, और इंडक्शन पे मैंने बनाई है। तो बस यहाँ पे धीरे धीरे करके मैं पूरा डिनर रेडी कर लूँगी। बीच बीच में और भी काम होते हैं जो कि मैं करती रहती हूँ, कैमरे में तो उतना ही शूट कर पाते हैं आप समझ सकते हो। तो बस उसके बाद में फिर यहाँ पे हमने बनाई रोटियाँ, क्योंकि अब सबका खाने का टाइम हो गया, मतलब 7:30-8 बजे का टाइम हो रहा था। यहाँ पे ना सब लोग जल्दी खाना खा लेते, जल्दी फ्री हो जाते हैं, और 8:30-9 बजे तक तो मैं अपना खाना बनाना स्टार्ट करती थी, तो इस टाइम तक तो यहाँ पे सब लोग खाना खा भी लेते हैं। तो मैं सबको थालियाँ लगा के दे रही हूँ, भाभी रोटी बना रही थी, फिर मैंने भाभी को बोला कि भाभी लो, क्योंकि बच्चे ना बीच बीच परेशान करते हैं, तो मैंने बोला ला मैं रोटी बनाती हूँ, आप बच्चे को भी संभालो और वो खाना सबको दे। पैसे मिले हैं, पता है कैसे मिले ये पैसे? ये पैसे ऐसे मिले हैं, इन्होंने पहनी है ये जैकेट जो कि इसमें से निकले हैं 100 रुपए, तो ये पैसे ये ले रहे थे। मैंने बोला मुझे दो क्योंकि मेरे पे हक बनता है, मैं साल भर कपड़ों को संभाल के रखती हूँ, इधर से उधर करती हूँ, इधर से इधर करती हूँ। 100 रुपए मिल गए, लक्ष्मी आ गई। चलिए ठीक है, धन्यवाद। कहाँ जा रहे हो अब? अभी आ रहा। भाभी चलो अपन खाना खाएं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, और मैं आप लोगों से बात नहीं कर पा रहा हूँ काफ़ी लंबे समय से। करते हैं बात, लेकिन जल्दी बहुत ज़्यादा कलर डाउन हो गया है मेरा भी, पता है यहाँ पे आके कलर मेरा भी डाउन हो गया है बहुत। चलो कोई बात नहीं, अब तो जो होना था हो गया। क्या क्या अंजलि, चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, मिलते हैं खाना खाते हैं। 8:30 बजे सब लोगों ने डिनर कर लिया, अभी हमको ही खाना है और भाभी रह गई बस। तो अभी ये मैंने अपनी थाली लगा ली है, और इस बीच में भाभी के पास फ़ोन आ गया था तो वो बात कर रही थी, फिर वो भी अपना खाना लेके मेरे पास में ही आ गई हैं। तो बस अब हम दोनों मिलके यहाँ पे खाना खाएंगे, क्योंकि सबने खा लिया, हम दोनों ही रह गए थे। खाना खाने के बाद बर्तन साफ़ करने हैं, भैया खाना खाना है तो हम भगवों को बर्तन ही साफ़ करके रखने हैं। पूरे किचन रात को ही क्लीन कर देते हैं, बर्तन साफ़ कर देते हैं, क्योंकि सुबह अमृता स्कूल जाती है तो उसका लंच रेडी होता है, और अमृता का रूटीन होता है मॉर्निंग में, तो वो अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कर देना, मैं आपको दिखा दूंगी। लेकिन वो ना मॉर्निंग में रोती बहुत है, इसलिए दिखाना भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगी जिस दिन उसका मूड अच्छा होगा उस दिन दिखा दूँगी, क्योंकि वो स्कूल जाने के लिए हर दिन रोती है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। A few moments later. बहुत सर्दी है दोस्तों आज, तो हम लोगों ने डिनर कर लिया। डिनर करने के बाद अभी ये तो कहीं चले गए हैं, अभी ये थोड़ा सा लेट आएंगे, और सारे बर्तन बर्तन साफ करके किचन पूरा क्लीन करके मैं आ गई अपने बेडरूम में, भाभी अपने बेडरूम में, बच्चे खेल रहे हैं, और
तो कुछ इस तरीके से रूटीन रहता है मेरा यहाँ पे। किसी दिन फुल रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मॉर्निंग टू नाइट रूटीन शेयर करूँगी। तो अभी तो फिलहाल ऐसे थोड़ा थोड़ा मैंने शूट किया जितना हो सका आप सभी के लिए। और जो बात मैंने आपके साथ शेयर की है ना मुस्कान वाली, तो मुझे भी बहुत बुरा लगा, आप सबको भी बहुत बुरा लग रहा होगा। कुछ लोग मेरे व्यूवर्स हैं वो उनको देखते भी होंगे, तो मुझे लगता है कि उनके ससुराल वालों को सज़ा मिलनी चाहिए। जैसी करनी वैसी भरनी, जिसको सज़ा हम नहीं दे सकते हैं ना, जो हमारे साथ गलत करते हैं ना दोस्तों, मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखा है, मेरे साथ ही बहुत बार हुआ है। जिसको सज़ा हम नहीं दे सकते हैं ना उसको भगवान सज़ा देता है। और बस मैं उन पर ही विश्वास रखती हूँ, किसी पर विश्वास नहीं रखती। किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए, किसी के साथ इतना गलत नहीं करना चाहिए कि बाद में पछताना पड़े। और उसके साथ लड़की के साथ बहुत गलत हुआ। इसी के साथ दोस्तों इस व्लॉग को मैं एंड कर दे रही हूँ। आई होप आप सभी को व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, आईडी इंडियन यूट्यूबर शौरांजलि है। तो अभी 9:30 बज रहे हैं, अभी मुझे व्लॉग एडिट कर लूँगी जिससे कि कल टाइम पर आपको व्लॉग मिल जाए, है ना। चलिए बाय बाय।